दिल्ली के बुराड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पार्टी के कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एडवोकेट रामवीर चौहान समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान किया गया। और झंडे को सलामी देने के बाद आपकी अपनी पार्टी पीपल के पदाधिकारियों ने मिठाई बांटकर गणतंत्र दिवस की एक दूसरे को शुभकामना दी। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब आपकी अपनी पार्टी पीपल के अध्यक्ष रामवीर चौहान से 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उनकी प्रतिक्रिया जानी तो सुनील श्री चौहान और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले मैं समस्त भारतवासियों को देश के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त देशवासियों को देश के संविधान में आस्था रखने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि अभी पूरे संसार में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा गई हैं, लेकिन भारतीय संविधान अपनी आस्थाओं के अनुरूप जो मूल्य उसमें दिए गए थे उनके अनुरूप इस देश के समस्त नागरिकों ने उसको आत्मसात किया और आज 75 साल तक, अब जब हम 75वीं वर्ष में एंट्री कर रहे हैं संविधान के, तो ये गणतांत्रिक मूल्यों को लेकर इस देश ने जो भिन्न भिन्न भाषाओं में, प्रांतों में, जातियों में, धार्मिक आस्थाओं में बटा हुआ था, उस देश को एक साथ 75 साल तक चलाना, ये हमारे संविधान की, हमारे देश की नीतियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो सरकारें हैं, सरकारों का काम अपने अनुरूप जिस वो विचारधारा को लेके आती हैं उसके अनुरूप वो काम करती हैं, तो इसके लिए हमें किसी एक ही व्यक्ति को या सरकार को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो शक्ति, अगर एक संस्था या एक ग्रुप के पास शक्ति आ जाती है, लेकिन उस संस्था और शक्ति को इस देश के वोटर ने उसके लिए ऑथराइज किया है, ये इस देश के वोटर की महानता है कि वो कैसे विचारों को आगे बढ़ाएगा, किस तरीके से इस देश को लेकर चलेगा संविधान के अनुरूप। क्योंकि भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान बना तो सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से किया गया था कि आप भारत के संविधान का सबसे अच्छा आर्टिकल किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने भारत के संविधान में आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट की पावर देता है, उन्होंने कहा कि आज देश में, उस समय में लोकतंत्र के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके साथ कम्युनिस्ट व्यवस्था उस समय चरम सीमा पर थी, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि आज कम्युनिज्म सबसे पॉपुलैरिटी में है, लेकिन हमने आर्टिकल 368 दिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले दिनों में कोई नई व्यवस्था जन्म लेती है, तो ये भारत का संविधान इतना बड़ा, इतना फ्लेक्सिबल है कि ये उस व्यवस्था को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो जो देश में परिस्थितियां चल रही हैं, जिन लोगों के हाथ में शक्ति है, ऐसी परिस्थितियों में जिनके हाथ में शक्ति है, अगर उन शक्तियों से या उन विचारों से लोग सहमत नहीं है, तो इस देश के वोटर के पास वो ताकत है, इस गणतंत्र के पास वो ताकत है कि उन व्यवस्थाओं को बदले और एक नई व्यवस्था खड़ी करें। राम प्रकाश शर्मा है मेरा नाम। राम प्रकाश जी, गणतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
और गणतंत्र दिवस पर हमें सबसे एक संदेश हमारा यही रहना चाहिए कि हमें जो राजनीति में आजकल जो बंटवारा होता है ना, कि हमें जैसे सामाजिकता का बंटवारा या देश की संप्रभुता अखंडता जिसमें भिन्न भिन्न तरीके से लोगों में आजकल बंटवारा चल रहा है जातिवाद को लेकर के या दूसरा कोई भी, तो सबको एक साथ मिल कर के अपने भारत के लिए काम करना चाहिए और सबको एकजुटता दिखानी चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, सभी देशों से कैसे आगे आए और हम वर्ल्ड पावर कैसे बने, उस पर हमें काम करना चाहिए। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर बीना सोनकर हूँ, आपकी अपनी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस के, आज ही हमारा देश संविधान लागू हुआ था 1950 को 26 जनवरी, उसकी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम मीनू लक है, सबको देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दे कि आपकी अपनी पार्टी पीपल मात्र दिल्ली की एक ऐसी पंजीकृत पार्टी है जो कि राष्ट्रीय त्योहारों के साथ साथ समय समय पर पार्टी की गतिविधियां जारी रखती है और जनता से जुड़े मुद्दे को भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान उठाते रहते हैं। टोटल खबर दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।